أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभानअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम याद करबला में ज़िशान अज़र तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहता है। आज 8 मुहर्रम है, यानी एक दिन गुजर गया जब आले रसूल पर पानी को बंद कर दिया गया। यानी 7 मुहर्रम वो दिन था जब यजीदी कौम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर पानी को बंद कर दिया था। पानी पीना उनके लिए बंद कर दिया था। उस वक्त क्या कैफियत थी और क्या सूरत हाल थी, ये तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि जो मुकाम और जो रुतबा उनको हासिल था हम उसके ज़र्रा बराबर भी नहीं हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों से देखें, जैसे कि कल के प्रोग्राम में मौलाना साहब से मेरी जब बात हुई तो हमने यही बात की कि अगर अली असगर क्या पाँव रगड़ते या पाँव ज़मीन पर मारते तो वहाँ से चश्मा ना बह जाता। बीबियाँ अगर अपनी ओढ़नी थोड़ी सी भी दरिया के सामने कर देती तो क्या दरिया उमड़ के नहीं आता। इसका सिर्फ़ और सिर्फ बात यही है कि सब्र के पैकर, जिनको खानवादा रसूल कहा जाता है, उन्होंने सब्र की अजीम व शान मिसाल कायम की, क्योंकि कहते हैं इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इसी के साथ फैजुल हसन ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में किरत की, जो कि माशाल्लाह नातख्वां हैं, उनको आगे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद हसन रज़ा जो के मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कल के प्रोग्राम में मौजूद थे। कल जब हमारी बात हो रही थी तो मौलाना साहब ने ये कहा था कि हम सफ़र करबला के खसूसियात और सफ़र करबला में क्या क्या हुआ देखने और सुनने वालों के लिए हम उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो खुशामदीद कहते हैं मौलाना साहब को। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी आप तशरीफ़ लेकर आए। और आपके लिए मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप बयान करते हैं दिल यही चाहता है कि आप बयान करते चले जाएँ, दौरानिया तवील होता चला जाए और हम सुनते चले जाएँ। तो मैं बिल्कुल आज रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइम महदूद होता है हमारे पास, कि हम सफ़र करबला को जो है वो बयान करना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं। उसके बाद ज़िशान भाई ये सफ़र करबला है कि जिसमें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रफ़ाका के साथ जब मैदान करबला में पहुँचते हैं, ये सारे मामलात जो आपके साथ हुए। बहरहाल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। तो शहीद जब आपको किया गया तो शहीद के बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो तो ज़िंदा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। तो जब बात शहीद की चली है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात को शहीद के फ़ज़ाइल का हिस्सा बनाया है, और उलमा कराम ने भी इस पर गुफ्तगू की है और शहीद की मुख्तलिफ़ अक़साम भी की हैं। एक होता है शहीद हकीकी, इसमें शहीद फ़िकी भी शुमार है, और एक होता है शहीद हुक्मी। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत हुई थी वो शहादत हकीकी हुई थी, और इन तीनों किस्मों में से सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर जो किस्म है वो शहीद हकीकी ही है, कि जब बंदा अल्लाह की राह में जो है वह अपना जान का नजराना पेश करता है। तो बंदे को चाहिए जो अल्लाह की राह में शहीद हो गया उसे मुर्दा नहीं कहना, ये हमें कुरान ने बताया। और यही बात हमें जो है आदि से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलती है। शहीदों पर अल्लाह तबारक व तआला के बड़े इनामात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला शहीदों पर अपना खुसूसी फजल व करम नाजिल फरमाता है। वो किस तरह? हज़रत इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, वो फरमाते हैं, अच्छा जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी, वला तहसबन, एक तो आयत ये वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात दूसरे पारे की, बाकी एक और आयत मुबारक शहीद के मुतालिक मिलती है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला बल अहयाउ इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून। ये आयत मुबारक भी मिलती है और यही भी शहीद के फ़ज़ाइल में शुमार की जाती है। इस आयत के ज़िमन में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, आप फरमाएं कि शहीदों की रूहें कहाँ पर होती हैं? तो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहीदों की रूह मुख्तलिफ़ मकामात पर होती है। बाज़ की रूह सब्ज़ परिंदों के जिस्म में होती हैं, बाज़ की रूह अर्श इलाही के नीचे कंदील जो लटकी हुई है वहाँ पर होती है, बाज़ की रूह जन्नत में होती है, बाज़ की आला इल्लियीन में होती है। तो शहीद को भी ये मकाम हासिल होता है। तो अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर यह बात भी इरशाद फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक शहीद की 6 खूबियाँ हैं। शहीद के अंदर 6 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी? ये फरमाते हैं हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब शहीद का पहला कतरा ज़मीन पर खून का गिरता है, वो कतरा तो बाद में गिरता है, लेकिन शहीद की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहले ही मकबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी खसलत, ये सबसे बड़ी जो है क्वालिटी उसके अंदर ये पाई जाती है। दूसरी के बारे में फरमाते हैं शहीद का मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला शहीद को आज़ाब कब्र से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह तीसरी बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि शहीद को कभी भी जहन्नुम के आज़ाब का खौफ ही नहीं होता। अल्लाहु अकबर। फिर चौथी बात हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सर पर इज़्ज़त और वक़ार का ऐसा ताज रखेगा कि दुनिया में या यूँ समझे दुनिया और माफिया, दुनिया या जिसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो ताज इन तमाम चीज़ों से बेहतर होगा। और इसके बारे में पांचवी चीज़ भी ये इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला शहीदों को 72 बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें अता फरमाएगा जिससे वो निकाह करेंगे। इसके बाद हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहीद, अब यहाँ पर अकीदा भी हमारा साबित होता है, कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो शहीद अपने अजीज़ व अकारिब में से 70 बंदों की शफाअत करेगा और उन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएगा। जब एक उम्मत मुस्तफ़ा का उम्मती जब शहीद होता है तो शहीद को शफाअत करने का हक़ हासिल हो सकता है। तो उम्मतियों के आका मदीने वाले प्यारे मुस्तफ़ा को शफात का हक़ क्यों नहीं हासिल हो सकता? तो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम को भी शफात का यह हक़ हासिल है। यहाँ तक कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में ये भी मौजूद है कि हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम को 3 दुआओं के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप 3 दुआएं मांगे, मैं रब हूँ आपकी दुआ को कबूल करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि उम्मती। 2 दुआएँ जो हैं हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए मांगी, अपनी उम्मत के लिए मांगी कि मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन हुजूर फरमाते 3री दुआ को मैंने मौखर करके रखा। या रसूल कब तक मौखर किया? उस मैंने 3री दुआ को क़यामत के दिन तक के लिए मौखर किया है। या रसूल वजह क्या है? बोला उस दिन जब ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील पर होगा, लोग अपने पसीनों में डुबकियाँ खा रहे होंगे और हर कोई मेरी तरफ रुजू कर रहा होगा, हत्ता यरग़िबा, यह हदीसों के अल्फाज मौजूद है, यहाँ तक के हज़रत इब्राहिम भी मेरी तरफ रागिब होंगे। उस दिन, उस वक्त, उस हालम में, उस घड़ी में, उस साथ में मैं अल्लाह की बारगाह में अपने उम्मतियों के लिए शफात करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दुआओं का हक़ हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम को हासिल है। तो शहीद के तो बड़े मकाम है, शहीद के तो बड़े फ़ज़ाइल हैं। शहीद के बारे में एक और बात हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाई है कि शहीद की एक ख्वाहिश होती है, शहीद अपने दिल में एक तमन्ना करता है। शहीद की तमन्ना और ख्वाहिश क्या होती है? हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कहते हैं कि शहीद अपने दिल में ये तमन्ना करता है कि दुनिया में नेमतें मिली ठीक है, दुनिया में आसाइशें मिली ठीक है, दुनिया में ज़रूरतें पूरी हुई ठीक है, लेकिन जब अब शहीद हो गए, अच्छा अब दुनिया से चले भी गए, शहीद भी हो गए, जब शहीद हो गए फिर भी शहीद अपने दिल में ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये इल्तिजा रखता है कि अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करता है, मालिक मुझे दुनिया में दोबारा भेज, मैं दोबारा तेरी बारगाह में शहीद होने के लिए तैयार हूँ, दोबारा मेरा दिल है, मेरी आरज़ू है, दोबारा मैं शहीद हूँ। इस तरह अगर मेरे साथ 1000 मरतबा भी किया जाए और मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊँ, दोबारा शहीद किया जाऊँ, दोबारा ज़िंदा किया जाऊँ, दोबारा शहीद किया जाऊँ, ये मेरे लिए एक सादत की बात हो, सुभान अल्लाह, ये मेरे एक कर्म नवाजी की बात होगी। तो दुनिया के अंदर अब आ जाए आप शहादत पर। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग शहीद होते हैं, बेशुमार लोग। हम न्यूज़ पे भी सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पर फायरिंग हुई, ना मालूम अफराद की फायरिंग से फ़लाँ बंदा ज़ख्मी, फ़लाँ बंदा शहीद हो गया। तो ये लोग भी शहीद हैं और बाद शहीद हुक्मी भी होते हैं, बाद शहीद हकीकी भी होते हैं। लेकिन जितने भी शहीद हैं उन तमाम शहीदों को अगर हम एक पलड़े में रखें और इमाम हुसैन की शहादत को एक पलड़े में रखें तो यकीनन नवासा रसूल की शहादत का पल्ला भारी हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी शहादत बड़ी मुमताज़ रही, आपकी शहादत बड़ी आला रही है। अल्लाह अकबर, आपने सर कटा कर भी जो है इस्लाम के नाम को बुलंद किया है। आपने अपनी जान का, अपने माल का, अपनी औलाद का, अपने घर वालों का नजराना सिर्फ दीन के लिए जो है आपने पेश किया है, कुर्बानी दीन के लिए दी है। और एक और बात यहाँ पर यह है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत इसलिए भी अजीम है क्योंकि आपको 3 दिन तक आपको और आपके घर वालों को भूखा और प्यासा रखा गया। अल्लाह अकबर, जब आप भूखे प्यासे हैं और आप इस आलम में भी सामने यजीदी लश्कर मौजूद है और ठीक ठाक आवाम सामने मौजूद और आपके साथ कुल एक रिवायत के मुताबिक 22 नफूस कुदसिया साथ हैं, इस आलम में भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, मालिक सब्र अता फरमा, शुक्र अता फरमा, सब्र शुक्र से काम ले रहे हैं और दीन का नाम सर बुलंद करने के लिए अपनी जान का, घर वालों का, माल का नजराना पेश कर रहे हैं। इसीलिए उलमा कराम ने फरमाया कि आपकी शहादत का मकाम ही बड़ा बुलंद है, आपकी शहादत का अंदाज़ ही बड़ा निराला है। इसीलिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए, ये आपका शहीद होना यूँ समझें कि इस्लाम को एक हयात जावेदानी अता फरमाता है। इसीलिए आपकी शहादत जो है बहुत ही आला है, बहुत ही अरफा है। इसीलिए उलमा इकराम ने कहा है कि तमाम की शहादत को एक पलड़े में रखें, इमाम अली मकाम की शहादत को एक पलड़े में रखें। आपकी कुर्बानियों की वजह से, नवासे रसूल होने की वजह से आपकी शहादत का पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जी मैंने जैसे प्रोग्राम के मौलाना साहब स्टार्ट में कहा था कि हम थोड़ी सी रवायत को रिकॉल करेंगे, क्योंकि आज 8 मुहर्रम अल हराम है और फिर कल नहीं तो परसों जो हम प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर शहादतों का जिक्र करेंगे, क्योंकि उस दिन सब ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी इस्लाम ज़िंदा रहा और हुसैन का नाम आज भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वो दिन था जब इस्लाम का बोलबाल बुलंद हुआ और यजीद के ऊपर लाखों करोड़ों लानतें कहें या हम जितना भी बुरा अल्फाज कह सकें वो भी कम होगा, लेकिन सिर्फ तकब्बुर ले डूबा। और इसीलिए कहते हैं कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को हासिल है। तो ये बताइएगा मौलाना साहब कि लश्कर में कितने लोग सवार थे और क्या इसमें शीरखोर बच्चे जो थे उनकी जो वालिदा या वालिद थे उनको पूछा गया था कि चलना है या नहीं चलना है? थोड़ा सा इस पर भी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आता है बाद में कि सब बड़े थे, अली असगर सिर्फ छोटे थे, तो थोड़ा सा ये इस बात पर भी पहलू पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान भाई, लश्कर में एक रिवायत के मुताबिक कुल 22 नफूस कुदसिया मौजूद थे। ठीक है कि इमाम अली मकाम, अच्छा पहले तो बात ये आती है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला लड़ने के इरादे से तो गए नहीं थे, आप जंग करने के इरादे से तो गए नहीं थे। मुझे कोई बंदा भी ये बताए ना कि जब वो लड़ने के लिए जाता है, जंग करने के लिए जाता है, तो क्या अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जाता है? अपने 6 महीने के बच्चे को साथ लेकर के जाता है? तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के साथ आपके चचा के बेटे भी मौजूद थे, आपके भाई इमाम हसन के बच्चे भी मौजूद थे, आपकी जोजा भी मौजूद थी, यहाँ तक के इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी उम्र 18 बरस ये बीमार थे, ये भी मौजूद थे, यहाँ तक के इमाम अली मकाम के छोटे बेटे अली असगर ये भी मौजूद थे, इमाम अली मकाम के बड़े बेटे अली अकबर ये भी मौजूद थे, इमाम हसन के बेटे अबुल क़ासिम ये भी जो है मौजूद थे, इमाम अली मकाम के एक और शहज़ादे ये भी मौजूद थे। इस तरह जो है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो शहज़ादे हैं ये भी जो है मौजूद थे। इस तरह कुल मिला के टोटल 82 नुफूस कुदसिया का काफ़िला बना और ये जो है मदीना मुनव्वरा से रहलत इख्तियार करके आगे की जानिब बढ़ने लगा। वजह इसकी क्या बनी, आखिरकार सफ़र क्यों किया, वजह भी तो होती है ना। कहते हैं कि जनाब अमीर मुआविया हमारे सर के ताज साहबी रसूल कातिब वही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो यजीद तख्त नशीन हुआ। हालांकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं और इनकी सहाबियत पर हमारा जो है इत्तिफाक है और हम लोग इनकी सहाबियत को मानते हैं और इनके मनाकिब व फ़ज़ाइल को बयान करते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ही इरशाद फरमाया है कि ए अल्लाह मुआविया को हादी और महदी बना। हज़रत अमीर मुआविया को हादी बना, हिदायत देने वाला बना और हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा दे। हम कहते हैं जब अल्लाह की बारगाह में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर दिया तो फिर वो जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हादी और महदी क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बने हैं। और आपकी शान में कई एक हादिस मुबारक है अल मुख्तसर। आप जब विसाल हुआ तो यजीद मसनद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया। अल्फाजों पर गौर करने कि यजीद मसनद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए, तख्त नशीन हो गया। हालांकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद से कहा था, क्योंकि यजीद ये अमीर मुआविया का बेटा। तो यहाँ पर एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बेटे के करतूत की वजह से बाप को बुरा भला नहीं कहा जाएगा, ना ही बाप की तरबियत पर उंगली उठाई जाएगी। जब बेटे का मुकद्दर ही ऐसा है, जब बेटे की हरकतें ही ऐसी हैं, तो हम बेटे के ज़िमन में जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर तबर्रा नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि आपने वसीयत की थी कि देख भाई, ये खिलाफत पर हक जो है ये हमारा हक नहीं है, खिलाफत पर हक जो है ये आले रसूल का हक है, हुजूर की औलादों का हक है। मैं विसाल कर जाऊँ, मेरा इंतकाल हो जाए, तो ये जो है खिलाफत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुँचा देना और तुम भी उनके हाथ पर बैत करना। अब कितनी खूबसूरत ये वसीयत फरमाई। ये वो अलग बात है, फिर ये अलग टॉपिक है कि कोई इन बातों को नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि इन बातों को भी बताया जाए ताकि लोगों को इनका भी जो है रद्द अमल पता लगे। बहरहाल यजीद काबिज जब हो गया तो यजीद के बारे में आपको क्या बताएं, यजीद तो जो है खुद शराबी था, तारीक नमाज था, तारीक सौम व सलात था, ना नमाज का आदी था ना रोज़ों का आदी था। अलमुख्तसर ये कि खाना काबा के अंदर भी, खाना काबा के हरम में भी, इतराफ़ में भी जो है इसने खून रेजियाँ की, शराबें पी, बेहुरमती की, इस कदर का ये खबीसुन नफ्स शख्स था। तो यजीद जब मसनद इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ तो यजीद ने लोगों से मुतालबा किया कि मेरी बैत की जाए। जब यजीद ने लोगों से मुतालबा किया तो उसने अपने अच्छे दोस्त के, जिसका नाम मरवान बिन हकम, और इससे मशवरा किया कि हज़रत अमीर मुआविया मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अब बताएं कि मैं चाहता ये हूँ कि सब मेरी हाथ पर बैत करें। मशवरा किया मरवान से, और मरवान कैसा आदमी कि जब ये पैदा हुआ था तो मरवान के वालिद हुजूर की बारगाह में लेकर हाजिर हुए थे और ये अर्ज़ किया था कि आप इसे गुट्ठी दे दें, आप इसे गुट्ठी दे दें। तो हुजूर ने मरवान को, तो हुजूर ने फरमाया था कि गिरगिट का बेटा गिरगिट होता है, लिहाजा मैं गुट्ठी नहीं दूंगा। तो हुजूर ने गुट्ठी नहीं दी, हुजूर ने इतनी बड़ी बात जो है ये बता दी। तो फिर गिरगिट का बेटा गिरगिट ही हुआ करता है। अगरचे यजीद का दोस्त था तो उसने मशवरा भी यही दिया कि आप सबसे पहले एक काम करें, इमाम आली मकाम की बैत ले लें, दीगर साहबा का भी नाम लें, इन लोगों की बैत ले लो। यजीद, जब तुम इन लोगों की बैत ले लोगे तो तुम बिल्कुल अमीरुल मुमिनीन बन जाओगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब मरवान ने यह हुक्म दिया तो मरवान के हुक्म के मुताबिक यजीद ने जो है मदीने के गवर्नर को यह हुक्म दिया, वलीद जिसका नाम था, और वलीद इंतहाई नफीस शख्स था। वलीद को यह हुक्म दिया कि आप एक काम करो कि हज़रत इमाम आली मकाम से जो है आप बैत ले लो, अगर वो बैत ना करें तो इन तीनों को कत्ल कर दो। वलीद जो कि गवर्नर मदीना था और ये अपनी तबीयत में कुछ नफासियत भी रखता था, कुछ अच्छी तबीयत भी इसकी थी, वो आगे जाके मैं बताता हूँ। कहते हैं कि मशवरे के बाद जो है वलीद को बताया गया, वलीद ने फिर मशवरा किया। मशवरा कर लेने के बाद वलीद ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर में बुलाया। तो हुजूर करीम के नवासे हज़रत इमाम आली मकाम जो है ये वलीद के घर में गए। जब घर में गए तो आपस में मुज़ाकरात हुए, आपस में बातचीत हुई। अब बातचीत क्या हुई, यही बातचीत हुई। हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात की ख़बर थी कि जनाब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। अब बात यह कि यजीद ये चाहता है कि आप उसकी बैत कर लें। तो इमाम आली मकाम ने बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दिया, जुर्रत के साथ जवाब दिया कि चार दीवारी में मैं तुम्हारी बैत कर लूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। हमने झुकना नहीं सीखा, हमने दबना नहीं सीखा, हमने अगर सीखा है तो हक पर आवाज़ को उठाना सीखा है। सुभान अल्लाह, हमने बातिल के आगे कभी भी झुकना सीखा नहीं। अब एक काम करें, आप बाहर जाएं, ऐलान करें और यजीद की बैत का मुतालबा करें, साथ ही मुझे भी कह लेना, जब सब लोग करेंगे तो फिर मैं भी कर लूँगा। ये इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया। तो कहते हैं कि वलीद तो जो मैंने आपको बताया अमन पसंद आदमी था, तो कहा ठीक है आप तशरीफ़ ले जाएं। जब इमाम आली मकाम घर से बाहर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर मरवान भी मौजूद था, और मरवान गिरगिट का बेटा गिरगिट होता है। तो मरवान ने कहा वलीद क्या कर रहे हो, अभी तुमने काबू पा लिया था, तुमको चाहिए था कि बैत ले लो, अगर नहीं माने तो फिर इन्हें शहीद कर देना था, कत्ल कर देना था। अब आज के बाद तुम इस पर इन पर काबू ना पा सकोगे, ये मरवान ने कहा। वलीद ने जो है उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वलीद ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर कहते हैं कि मरवान ने फिर यजीद को ख़त लिखा, और यजीद को ख़त लिखकर यही बताया कि इस तरह का काम जो है वलीद ने किया है और बैत नहीं ली। हालांकि जो है वलीद इमाम आली मकाम पर बिल्कुल गलबा पा चुका था, बैत ले लेता या फिर जो है शहीद कर देता, कत्ल कर देता। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला के बारे में वलीद ने कहा, जो कि अमन पसंद आदमी था, वलीद ने कहा कि हरगिज़ मैं अपने हाथों को नवासा रसूल के खून से आलूदा नहीं करूँगा। तो ये बात बड़ी जो है मरवान को बुरी लगी, ख़त लिख दिया। अलमुख्तसर ये है कि वलीद को जो है ये माजूल भी कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ एक और बात वलीद के बारे में आती है कि वलीद ने इमाम अली मकाम के पास आदमी को भेजा और भेज कर फरमाया कि आप दोबारा मेरे पास आएँ। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि रात का वक्त है, मैं तो अभी नहीं आ सकता, लिहाजा सुबह हो जाएगी फिर देखेंगे कि क्या होता है कि क्या नहीं होता। तो वलीद ने इमाम अली मकाम की बात को मान लिया और इमाम अली मकाम के अहलो आयाल अजीज़ व अकारीब जो है उसी रात सारे के सारे मदीना मुनव्वरा से इन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र इख्तियार किया। अब ज़रा इमेजिन करो ना, जो अहबाब मदीना जा चुके हैं ना, अब यहाँ पर उनसे बात करता हूँ। उनसे बात यह है कि जो अहबाब मदीना जा चुके हैं वो जाते हैं 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, या हज के अयाम में गए तो ज़्यादा दिन मिल गए। तो मदीने से लौटना उसी आशिक से पूछिए कि जैसे रूह बदन से निकल गई हो। बिल्कुल ऐसा ही निशान भाई, मदीने से लौटना ये बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम है। जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, ऐसा ही है, बिल्कुल जी के मरते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं उनके दर पर। ए हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। देखिए हम हुजूर के उम्मती हैं और मेरे जैसा शख्स जो है हुजूर से मोहब्बत करता है, हुजूर का गुलाम है, लेकिन मैं आले रसूल नहीं हूँ, मैं हुजूर की आल में से नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं आले रसूल का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं पंजे तने पाक का गुलाम हूँ, मैं आले रसूल का नौकर, हुजूर का गुलाम हूँ। कहते हैं कि जब एक आम शख्स मदीने शरीफ में जाता है तो फिर जब वापसी आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है एक आशिक के लिए। अल्फाजों पर गौर, एक आशिक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो अलग बात है कि हमारी न्यू जनरेशन ने और हमारे लोगों ने इसको ट्रेंड ही बना दिया है और वहाँ पर नाउज़ुबिल्ला जा कर के जो है एक टूवर की निस्बत से वो जो है और नीयत से वहाँ पर जाते। अल्लामान वल हाफिज़, वहाँ पर जाएँ तो बिल्कुल इबादत की नीयत से जाया जाए, ये भी एक अलग टॉपिक फिर कभी डिसाइड करेंगे। कहते हैं कि एक जब आम शख्स, जिशान भाई, आम शख्स जब जाता है मदीना मुनव्वरा उसके लिए वहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो नवासे रसूल है, मदीने में पैदा हुए, मदीने में बड़े हुए। अल्लाह को जब लोगों ने तंग करना शुरू किया तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने मदीने से मक्के की तरफ का सफ़र इख्तियार किया, लेकिन अपना आखिरी सलाम जो नाना जान की बारगाह में पेश किया। तो उस वक्त हम आशिक हैं, हम जो कि अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर से भी मोहब्बत करते हैं, जब हम आशिक हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर आखिरी सलाम पेश करते हैं तो हमारी आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। तो और वही शख्स जो पैदा मदीने में ही हुआ हो, जो हुजूर की आल हो और दूर का रिश्ता ना हो, हुजूर का नवासे ही हो, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लोगों तुम भी इससे मोहब्बत करो। वही शख्स कि जिनको हुजूर चूमा भी करते थे, हुजूर सूंघा भी करते थे, हुजूर कंधों पर भी बिठाया करते थे, जब नमाज में होते तो आप कंधों पर तशरीफ़ ले आया करते थे, हुजूर अपने सजदे को तवील कर लिया करते। अब ऐसे शख्स के लिए, ऐसे नवासे के लिए, हमारे इमाम, हमारे रहबर इमाम अली मकाम के लिए मुझे बताओ मदीना छोड़ना कितना जो है भारी होगा, कितनी मुश्किल की बात होगी। लेकिन बात वही आती है जब दीन फैलाने की बारी आती है, दीन की सरबुलंदी की बारी आती है, तो बंदा अपने अजीज़ व अकारीब के साथ या अजीज़ व अकारीब को छोड़कर, वतन को छोड़कर, घर बार को छोड़कर रास्ता इख्तियार करता हो। यही बात इमाम अली मकाम की सीरत से हमें सीखने को मिलती है कि दीन के काम करने में रुकावट तो आती है, मुश्किल तो आती, लेकिन दिल जमाई के साथ, इखलास के साथ जब बंदा काम करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे ना ख़त्म होने वाली शोहरत भी अता फरमाता है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक कैफियत के साथ, रोती आंखों के साथ अपने नाना नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ किया, नाना जान मैं आपका मुक़द्दस शहर जो है वो छोड़ रहा हूँ, ये तो वो शहर है जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब रहना आपके नवासे के लिए बड़ा दुश्वार हो गया है, लोग बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं, ये यजीद जो है मसनद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया है और मैं इसकी बैत करना नहीं चाहता। तो हुज़ूर करीम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अलविदा कहते हुए ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु रुखसत हुए। कहते जब हुज़ूर की बारगाह से आप रुखसत हुए ना तो और मक्के की तरफ जाने का आपने इरादा किया, ये वाक़िया 4 शाबान का है, 4 शाबान को जो है आपने मदीना छोड़ा था। कहते हैं कि अब अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल की खबर अभी फ़िलहाल किसी को ना थी। जब किसी को खबर ना थी, जब कोफे वाले लोगों को पता लगा, कोफियों को पता लगा अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया है, तो ज़िशान भाई फिर कोफियों ने इमाम आली मकाम को ख़त लिखे कि आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी बैत करेंगे, हमारे यहाँ पर कोई इमाम नहीं, ये यजीद ऐसा यजीद ऐसा यजीद ऐसा, हम इसकी बैत करना नहीं चाहते, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएँ। कहते हैं कि पहला ख़त उनकी तरफ से लिखा गया और उसमें यही बात कही गई कि आप तशरीफ़ लाएँ, खुदा आपकी बरकत से हमें हक़ की हिमायत नसीब कर देगा। कहते हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यूँ गोया के उस ख़त को फ़िलहाल छोड़ दिया। कहते हैं कि जब मुसलसल एक होता है, एक ख़त आया फिर कई अरसे के बाद दूसरा, कहते हैं मुसलसल खतूत आ रहे थे। जब आखिरी ख़त आया जो कि हज़रत इमाम आली मकाम के पास पहुंचा, तो जिसमें कोफे वालों ने लिखा, कोफे वाले लिख रहे थे कि हमने आपसे पहले भी खतूत आपकी बारगाह में भेजे और यही मुतालबा किया कि आप तशरीफ़ लाएँ, आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम आली मकाम इस बात को जानते थे कोफ़ी ला यूफ़ी, क्योंकि कोफियों के बारे में मशहूर है, कोफियों के अंदर वफा नहीं। इमाम आली मकाम ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने भाई यानी कि चचा के बेटे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु को गोया के अपना खलीफा बनाया, अपना नाइब बनाया, अपना जानशीन बनाया और कोफे वालों की तरफ भेजा। साथ में ख़त लिखा कि अभी हम तो नहीं आ रहे, लेकिन हमारे भाई मुस्लिम बिन अकील तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, इनकी तुम बैत करना, इनकी बैत करोगे गोया के मेरी बैत की, तुम इनकी बैत करना। ये अगर हमें ख़त लिखेंगे कि कोफे के हालात बेहतर हैं, साजगार हैं, तो हम भी आ जाएंगे। कहते हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने अपने चचा के बेटे यानी अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को ये ज़िम्मेदारी दी। तो मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला ने अपने दोनों फर्जंद को ले करके जो है आपने कोफे का सफ़र इख्तियार किया। जबकि उसमें कहते हैं कि आपके एक बेटे का नाम मोहम्मद और दूसरे बेटे का नाम इब्राहिम, और ये दोनों नन्हे नन्हे शहजादे थे, फातिमतुल ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दुलारे थे, बिल्कुल छोटे छोटे कम उम्र के थे। कहते हैं कि जब आप अपने वालिद साहब के साथ हो गए फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा के ये खलीफा कोफे में पहुँचे, तो उस शाकान अली ने आपका रच बस के इस्तकबाल किया और कहते हैं कि 12,000 कोफियों ने आपके हाथ पर जो है बैत की इमाम आली मकाम की। कहते हैं ये रात का वक्त था, किसी को मालूम ना था। कहते हैं कि वहाँ पर गवर्नर था कोफे का नोमान बिन बशीर, हज़रत नोमान बिन बशीर। इन्होंने जब देखा कि मामलात इस तरह के हो गए हैं तो वो मिंबर पर गए और मिंबर पर जा कर के कहने लगे लोगों देखो हम्दो सलात की, और उसके बाद कहा कि ये लोगों ये जो बैत मुस्लिम बिन अकील की है ये यजीद की बैत के ख़िलाफ़ है। अगर यजीद को मालूम चलेगा कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं और तुम लोगों ने बैत की है तो वो भड़केगा, फिर फितना होगा, फसाद होगा, उसके ज़िम्मेदार ये तुम लोग ही हो। अब कहते हैं कि जब लोगों ने इमाम आली मकाम की बैत की किसके हाथ पर, मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर, तो किसी ने ज़बरदस्त आदमी को ये हुक्म दिया कि आप ख़त लिखें, और उसने बिल्कुल छुपके से जो है यजीद को ख़त लिख दिया। जब यजीद को ख़त लिख दिया गया तो यजीद को सारे मामले का पता लग गया कि मुस्लिम बिन अकील हुसैन की तरफ से आए हैं और 12,000 इतने हज़ार फिना इसने जो है ये उनकी बैत कर ली। अब हुआ क्या, यजीद ने फिर हुक्म दिया इब्न ज़ियाद को बताया कि जाएं आप वहाँ पर जा कर के जो है मुस्लिम बिन अकील को कहें कि ये आपने क्या फ़ितना किया है। मुस्लिम बिन अकील से भी मुतालबा करें कि जो है आप यजीद की बैत कर लें, अगर यजीद की बैत आप नहीं करते तो मुस्लिम बिन अकील को भी नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अब कहते हैं कि यजीद का हुक्मनामा पाते ही इब्न ज़ियाद अपने भाई के साथ जो है अपने भाई को अपनी जगह मुकर्रर करके जानशीन बनाकर कूफे की तरफ आ गया और कादसिया के मकाम पर जब इब्न ज़ियाद पहुँचा वहीं पर अपने साजो सामान को, अपने सिपाही को, अपने ऊँटों वगैरह को, अपनी सवारी वगैरह को, सबको जो है वहीं रोक दिया। और जब मगरिब का वक्त हुआ तो मगरिब और इशा के दरमियान का जो वक्त था उस वक्त में इब्न ज़ियाद जो है ये कोफा में दाखिल हुआ। जब ये इब्न ज़ियाद कोफे में दाखिल हुआ फिर और ये मज़ीद गुफ्तगू है। इब्न ज़ियाद ने फिर सुबह होने का इंतज़ार किया। जब सुबह हुई तो लोगों के सामने उसने ये बैत का मुतालबा किया कि लोगों आप जो है यजीद की बैत करो। बल्कि इब्न ज़ियाद ने तो ये जुमला इस्तेमाल किया कि मैं अमीरुल मुमिनीन यजीद का नायब हूँ, नाउज़ुबिल्ला। और कल इस पर हमने गुफ्तगू की कि यजीद को अमीरुल मुमिनीन बोलना कैसा है, तो उसने ये कहा कि तो लोगों के अंदर इंतशार पैदा हो गया। लोगों के अंदर यजीद का खौफ तो था, तो ये खौफ की वजह से लोग बड़े मुंतशिर हो गए। जब लोग बड़े मुंतशिर हुए फिर मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला के साथ भी बड़े मामलात किए। आगे गुफ्तगू ये मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बिल्कुल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम महदूद है। मौलाना साहब, मैं ये चाहूँगा कि हम 9वीं की जो शब है यानी 9वीं का जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें यहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आगे क्या हुआ था और फिर किस तरीके से मुस्लिम बिन अकील के साथ मामला तय पाए या क्या। तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे यही एक सिलसिला जोड़ना था क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोग आजकल टूर के हिसाब से जाते हैं जबकि हमें लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस्लाम कितनी कुर्बानियों के बाद उसका बाल बुलंद हुआ। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 9वीं मुहर्रम में और फिर 10 मुहर्रम को उसका इख्तिताम पजीद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होती है। फैजुल हसन हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें कुछ कलाम सुनाएंगे और इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो जाते जाते मैं भी यही कहूँगा कि जब भी पानी पिएँ इस दिन में तो ये याद रखें कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए। और जब आले रसूल पर खाने और पानी को बंद करार दे दिया था तो जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि उस वक्त भी इमाम आली मकाम खुदा से ये इल्तिजा कर रहे थे कि सब्र अता कर। तो हमें भी ये चाहिए कि अपने लिए सब्र मांगे। अल्लाह ताला हमें भी साबरीन में दाखिल करे और अल्लाह ताला हमें फ़ख्र से उसके सामने रोज़े हशर खड़े होने की तौफीक अता फरमाएँ। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम फैजुल हसन की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह नेगेबान। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आया ना होगा इस तरह रंगों शबाब रेत पर गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। जाने बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटा ये, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, आया ना होगा इस तरह रंगो शबाब रेत पर। हुसैन हुसैन।